आज कुछ हम पॉइंट्स क्लियर करेंगे बीएमआई के बारे में। बीएमआई जैसे कि आप जानते हैं, हम एज एन इंडेक्स यूज़ करते हैं फॉर जजिंग ओबेसिटी, या फिर ओबेसिटी को कैटेगराइज करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, बीएमआई बहुत पुरानी चीज़ है, बहुत सालों से इस्तेमाल की जा रही है और अभी भी मेडिसिन और न्यूट्रिशन के अंदर इसी की बेस के ऊपर हम जज करते हैं कि आप ओबीज हैं या ओवर वेट हैं या आपका जो वेट है वो नॉर्मल है। कि बीएमआई के साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इट कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन फैट एंड मसल। ये शायद पॉइंट आपको एक नॉर्मल सा पॉइंट लग रहा हो, लेकिन ये बहुत एक बड़ा पॉइंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक बात करते हैं कि देर इज़ अ मेल जो कि 65 kg जिसका वेट है और जिसकी हाइट लाइक 5.5 है। अब बीएमआई के मुताबिक तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसका वेट नॉर्मल है, उसका जो कैटेगरी है वो नॉर्मल की कैटेगरी के अंदर आएगा। लेकिन नाउ इट कैन नॉट डिस्टिंग्विश कि उसके अंदर फैट कितना है और मसल कितना है। हो सकता है उसके अंदर फैट ज़्यादा हो सकता है उसके अंदर मसल ज़्यादा हो। इन दोनों कंडीशन के अंदर प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा है वो बॉडी बिल्डर है या फिर उसके अंदर मसल मास ज़्यादा है, सो अब इस केस के ऊपर आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि वो वाकई ही फैट है या फिर वो फैट नहीं है, या उसकी लुक कैसे है? क्योंकि अगर हम मसल की बात करें तो वो ज़रा ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है रादर देन फैट। सो मसल जो होता है वो ज़रा डेंस होता है, कॉम्पैक्ट होता है, उसकी बाकायदा टोन होती है। फैट होता है उसकी कोई शेप नहीं होती, वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। सो एक ओवरऑल अपीयरेंस के अंदर एक विजिबल डिफरेंस हमें नज़र आता है। सो जो पॉइंट हमने पहले डिस्कस किया कि अगर आपका बीएमआई तो नॉर्मल है बट यू हैव अ हाई परसेंटेज ऑफ फैट, तो डेफिनेटली पैथोलॉजिकल कंडीशंस का रिस्क बढ़ जाता है, डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है, इसके साथ साथ कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सो पैथोलॉजिकल कंडीशंस के अंदर बीएमआई से बेहतर जो चीज़ है वो है वेस्ट टू हाइट रेशियो। वेस्ट टू हाइट रेशियो इज़ कंसिडर्ड अ गोल्ड स्टैंडर्ड जब भी बात की जाती है कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स के एनालिसिस की या फिर जितने भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। अब इसमें क्या होता है कि आपकी फॉर एग्जाम्पल अगर हाइट है 5 feet, सो आपकी जो वेस्ट लाइन है वो इसके हाफ से कम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी, हमने डिस्कस किया 5 feet आपकी हाइट है, तो आपकी जो वेस्ट लाइन है वो 2.5 feet से कम होनी चाहिए। तो अगर आप 2.5 feet को इंचीज़ के अंदर कन्वर्ट करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 30 inches से बनेगी। तो आपकी जो मैक्सिमम वेस्ट लाइन है वो 30 inches होनी चाहिए और इससे कम होनी चाहिए, ये आइडियल रहता है। ठीक है, अब आपको हो सकता है कि बीएमआई नॉर्मल हो लेकिन आपकी जो वेस्ट टू हाइट रेशियो है वो ज़्यादा है, आपकी जो वेस्ट लाइन है वो ज़्यादा हो। सो ये ज़्यादा बड़ा रिस्क फैक्टर होता है, तो इसको भी ज़रूर जज करना चाहिए। तो जब भी आपने अपना एनालिसिस करना हो तो बीएमआई डेफिनेटली एक बहुत कन्वीनियंट मेथड है। अभी इसको हम रूल आउट नहीं कर रहे, बीएमआई डेफिनेटली आपको एक रफ़ आइडिया देता है कि आप को कहाँ पर फॉल करना है, लेकिन ये आपको बिल्कुल एक्यूरेटली भी नहीं बताता कि आपकी कंडीशन क्या है। तो इसके साथ साथ अपनी मेजरमेंट्स, वेस्ट टू हाइट रेशियो, इसके साथ वेस्ट टू हिप रेशियो, ये भी एक टूल होता है, इससे भी आप बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। सो इन चीज़ों को भी आप ज़रूर जहन में रखें। वेस्ट टू हाइट रेशियो इज़ अ बेटर टूल रादर देन बीएमआई।